आज हम देखेंगे जी कि पावर पॉइंट में एनिमेशन कैसे इंसर्ट करते हैं। कल जो आपको टास्क दिया था उस पर भी थोड़ा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्लाइड्स में ये इसे मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे लेआउट्स नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं सिंपली पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैं पिक्चर पे जाके यहाँ से जो मैंने स्टूडेंट टास्क में अपने पिक्चर रखी हुई है वो उठाऊँगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। वहाँ से मैं नंबर करने के बजाय स्टूडेंट टास्क में या ऑफिस एटोमेशन में जो स्लाइड टास्क था आपके पास वो जो है ये वाला था। ठीक है, तो मैंने ये बैकग्राउंड ये यूज़ करना है। इसे मैं कॉपी करूँगा और इसे मिनिमाइज करके इधर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे क्लिक करके पूरी इमेज अप्लाई करूँगा। अब ये यहाँ पे होगी लेकिन थोड़ा सा वो सिस्टम स्लो है क्योंकि वो पिक्चर इसके ऊपर आ रही है। तब इसको इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फिर एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए इसको फुली आप इंसर्ट कर लीजिएगा पूरे पेज पे। अभी ये सही अप्लाई वो स्लो हो रहा है ना थोड़ा, इसलिए प्रॉब्लम कर रहे। तो हमने फॉर एग्जांपल ये हमने पिक्चर इंसर्ट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो नेक्स्ट पिक्चर इंसर्ट करनी है वो ये वाली, ये चाहिए। इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे लगा के फिर एक और जो पिक्चर हमें चाहिए वो चाहिए। ये वाली काजल वाली पिक्चर, ठीक है। अब ये गया, आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करके नहीं वैसे खाली जगह क्लिक करके पेस्ट करना। ये थोड़ी बड़ी है, इसको थोड़ा छोटा करना है क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन है। तो अभी हम ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एडजस्ट करते हैं। बस ये पिक्चर्स में थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि हमने वो इसकी स्क्रीन शेयर की हुई है, इस वजह से। वैसे आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो इस वजह से वो कैप्चर करने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। अब हमने इस पे एनिमेशन लगानी है। तो एनिमेशन के लिए कल मैंने आपको बताया एनिमेशन में जाके कस्टम एनिमेशन पे जाके आपने इसे मोशन पाथ देना है। ठीक, मोर मोशन पाथ में सारे हैं। तो आपने जो देना है वो राइट वाला देना था ना, राइट की तरफ ही आए ये राइट वाला। अब ये जहाँ तक आया अब यहाँ से पकड़ के आपने इसको और इंक्रीज कर दिया, मतलब जहाँ तक आपके इतनी आ जाए तो वहाँ तक जाएगा। फिर इसको भी आपने मोशन इफेक्ट देना है, जैसे ये आप अभी इसको दे रही है राइट ही, और इसको भी आप उतना ही देंगे जितना आपको चाहिए। स्क्रीन से आपके तीन थोड़ा सा वो चले थे आगे, लेकिन मसला ये है कि ये साथ साथ जाएंगे ना, क्योंकि प्ले जब करेंगे तो दोनों ये साथ साथ एक जाते हैं फिर बाद में जाते हैं तो साथ साथ जाए ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्लिक करके इस विद प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, इसको भी विद प्रीव्यू करेंगे, ये ऑप्शन होती है। और एक और चीज़ इतनी, आप इसकी टाइमिंग पर अभी इसके ऊपर जो एनिमेशन आपने लगाई है ना, राइट क्लिक करके टाइमिंग में जाके आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, कितना डिले करना है, कितनी स्पीड हो, ये वो सारा। ठीक है, स्पीड वगैरह भी वेरी स्लो फास्ट ये वो कर सकते हैं। देखिए आप ये समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट जो आपकी एनिमेशन है ये वाली, इसको भी जाके इसको आप हेड स्लो कर दीजिए। लेकिन उसके आने तक ये जाने तक क्या हो रहा है कि वो दोनों मतलब टाइम ले रहे हैं ना, तो
अम्मी एक को वेट करवाना है, जब वो वहाँ पे पहुँचे होता वो वहाँ से जाए ना, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा डिले कर देंगे इस एनिमेशन को, इसके ऊपर राइट क्लिक करके टाइमिंग्स में जाके हम इसको डिले कर देते हैं, कितना तकरीबन 3 4 4 सेकंड कर लेते हैं। अब प्ले करते हैं इसे, ये 4 से पहले पहुंच गया है ना। अभी टाइमिंग हमने क्या की हुई थी, बहुत ही ज़्यादा दे दी थी, टाइमिंग को थोड़ा हमने कम करना है। फिर टाइमिंग में जाके इसको डिले करते हैं हम तकरीबन 2.5 सेकेंड्स। अब प्ले करते हैं तो ये इस तरह, ठीक है, ऐसे थोड़ी सी और एडजस्टमेंट अपना लें तो ऐसे वो जल्दी जा रहे हैं। तो ये बस आपको प्रोजेक्ट बनाना था, ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्लियर हो गया आपको। अब जो चीज़ें रह गई हैं हम काम पर लेते हैं, स्लाइड शो होता है, कोई भी स्लाइड्स आप बनाती हैं शुरू से, फ्रॉम बिगिनिंग आप F5 प्रेस करें या वो करें तो फुल स्क्रीन में वो स्लाइड शो चलेगा, जो जिस तरह आपने बनाया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह एस्केप का बटन प्रेस करने स्लाइड शो ख़त्म हो जाते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड, अब ज़रूरी नहीं हो आपके पास एक ही स्लाइड होगी, अभी मैं कुछ और स्लाइड्स जिसमें 3 4 स्लाइड्स हों वो आपको प्रेजेंटेशन बताता हूँ। जैसे ये एक स्लाइड है जो कि अभी आपका ये प्रोजेक्ट भी होगा, आपने बनानी होगी। अभी इसको प्ले करते हैं, ओपन आ जाए। इमोशंस की ये स्लाइड है, तो F5 प्रेस करते हैं तो ये देखिए आप स्लाइड प्ले हो रही है, एक स्लाइड आ रही है, फिर उस पर डिफरेंटली आके फिर नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, ठीक है, इस तरह। तो ये स्लाइड अब आपने जब F5 आप करेंगी तो फ्रॉम बिगेनिंग शुरू से होगी ना, ठीक है। लेकिन आपने अगर स्लाइड अपनी प्रेजेंट करनी है इधर से, यहाँ से आगे, तो क्या करें आप, फ्रॉम करंट स्लाइड, इसकी शॉर्टकट F5 है, इसकी शिफ्ट F5 हो, फ्रॉम करंट स्लाइड उधर से ले, ठीक है। उसके बाद कस्टम में आप जाके खुद स्लाइड ऐड करें, आप कहती हैं जी ये स्लाइड भी होनी चाहिए, प्ले ये भी होनी चाहिए और था ये भी होनी चाहिए, बस काफ़ी है ये, और इसे आप यहाँ से शो कर दें तो वो 3 ही प्ले होंगी जो आपने सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप सेटअप स्लाइड शो, सेटअप कहाँ से कहाँ तक स्लाइड हो, उसमें ये हो पेन का कलर आगे जो एडिटिंग करनी है वो कौन सी हो, ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं जो आप कर सकती हैं। हाइट में ये होगा ना कि आप स्लाइड्स को हाइट कर, मतलब आप कहते हैं ये स्लाइड जब प्रेजेंट कर रहे हो तो ये साथ ना शो हो, जो ऐड करेंगे फिर वो शो नहीं, अन ऐड पे फिर वो ख़त्म हो जाएगी, अन ऐड हो जाएगी दोबारा के लिए। नरेटर जो साथ साथ स्पीच करता है बोलता है वो आप साथ इंस्टॉल कर दें या अपना साउंड रिकॉर्ड कर लें, वो साथ साथ बोलें भी तो वैसे हो जाता है। और रिहर्सल टाइमिंग होती है, आप स्लाइड को एक प्रेजेंट करती हैं साथ साथ प्ले करती रहती हैं, साथ साथ बोलती हैं, जहाँ रोकना होता है रोकती हैं, रिहर्सल कर रही हैं। और रिहर्सल करने के बाद जब आप इसे कैंसिल करती हैं एस्केप का बटन, तो ये पूछता है ये जो 11 सेकंड की आपने स्लाइड सेव की है ये सेव हो जाए, ये जब नेक्स्ट टाइम आप प्ले करेंगी तो 11 सेकंड तक ये प्ले होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह आप वो उसमें कर लें, फिर उतनी ही प्ले होकर ख़त्म हो जाएगी। तो ये रिहर्सल टाइमिंग में आपने एक स्लाइड बस उतने टाइम के लिए प्रेजेंट करनी है तो उतना टाइम सेट कर दें, ठीक है। बाकी ये उसको रिहर्सल को यूज़ करना है तो टिक कर दें, नहीं करना टिक हटा दें, फिर वो फुली प्ले प्ले होगी। बाकी ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है, ठीक है, आखिर में ये जो मेन सिस्टम की रेजोल्यूशन है वो भी चेंज हो सकती है मोनीटर वगैरह के। और यूज़ प्रेजेंटर व्यू आप करें तो वो व्यू भी बताता है कि इस तरह ये प्रेजेंट होगी, मतलब स्क्रीन में फाइनल जो आपकी फुल स्क्रीन में आती है तो ये ऑप्शन आती है, और सिस्टम की अपनी सेटिंग आ जाती है, ठीक है। ये स्लाइड थी वो सेटिंग थी। और रिव्यू ऑलरेडी आपने स्पेलिंग ग्रामर सर ये पढ़ा हुआ, कॉमेंट्स वगैरह इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आप एक्सप्लेन करूँ, यहाँ भी उसी तरह कॉमेंट्स होते हैं और ये, और इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो बता दीजिएगा, रिस्ट्रिक्शन कोई रिस्ट्रिक्शन बता सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ से कनेक्ट करके। और व्यू में आप डिफरेंट तरह से इसका व्यू देख सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, ये नोट्स व्यू है, स्लाइड शो है, ये
स्लाइड मास्टर है, इस तरह स्लाइड्स प्रेजेंट होती हैं, व्यू होती हैं, और ये हैंड आउट में इस तरह स्लाइड्स व्यू होता है इनका, और नोट्स में इस तरह नोट्स में पॉइंट्स में स्लाइड्स प्रेजेंट होती हैं, और रूलर साथ शो करना चाहें मतलब नॉर्मल के भी जैसे कि रूलर आ गया, ग्रेड लाइन आ गई, जूम वगैरह करना, ग्रे स्केल में ये ब्लैक एंड वाइट हो जाए या कोई और कलर, या दोबारा कलर में करते हैं आप, ठीक है। और इसी तरह आपने विंडो ले सकती हैं, विंडोज को अरेंज ऑल कर सकती हैं आप ऊपर नीचे साथ, ये वो कैस्केड में कर सकती हैं, मूव से प्लेट में ये एरो से आप करती हैं मूव हो जाए, अब ये मूव हो रही है ऊपर नीचे इस तरह छोटी बड़ी, और ये मूव से प्लेट आपने की हुआ, ठीक है। और स्विच विंडो ये वाली खोलनी है या ये वाली जो विंडो, और मैक्रो जो यहाँ पे है उसके लिए आप कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, पूरा वो आपको प्रोग्राम आना चाहिए, ये C++ उसमें विजुअल बेसिक प्रोग्राम होता है, वो आपको बताऊंगा, वो आपको एक वीडियो भी दे दूंगा जिसपे आप वो क्लियर हो जाएगा, और वो कोड्स भी आपको, तो ये प्रोग्राम आपका एंड हो गया, इसके साथ हमारी वीडियो भी एंड हुई।